Hi guys, welcome to my channel. If you are new to my channel, my name is Jay Vaklia and I make traveling videos and share them with you. And आज हम जा रहे हैं दार्जिलिंग, तो ये वाला व्लॉग पूरा दार्जिलिंग के ऊपर होगा. सो गाइस, हम लोग दार्जिलिंग जा रहे थे वाया नामची. तो नामची पड़ता है साउथ सिक्किम में. तो अभी हम यहाँ पे नामची के एक फेमस जगह जो चार धाम है वहाँ पे आए हुए हैं. सो बेसिकली जो चार धाम है वो एक बद्रीनाथ, जगन्नाथ धाम एंड देन रामेश्वरम एंड द्वारका. तो ये है चार धाम जो कहते हैं कि हिंदुओं में ऐसा मान्यता है कि हर हिंदू को ये चार धाम की यात्रा ज़रूर करनी चाहिए. तो मोस्ट प्रोबेबली इन द कमिंग मंथ्स एक धाम शायद अभी पाइपलाइन में है, तो विज़िट करेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे वहाँ पे. Wishing for the kind of love you see in magazines. The ocean falls and nothing's what it seems to be. The part left is hurting deep inside of me. Heard a whisper, someone saw you at the bar. Was it the same night you had trouble with your car? तो अभी होटल में आए हैं, चेक इन किया है, रूम में गए हैं. और आज का तो वैसे कोई प्लान है नहीं कहीं इधर उधर जाने का, क्योंकि बहुत थक भी गए हैं. तो इससे अच्छा तो रूम में रेस्ट ही कर लेते हैं. और कल मॉर्निंग में कंचनजंगा के लिए भी जाना है, कंचनजंगा को देखने के लिए. तो एक व्यू पॉइंट है कंचनजंगा को देखने का. तो शायद इन्होंने बोल रखा है कि मॉर्निंग में 4 बजे यहाँ से कार जाएगी उस व्यू पॉइंट की तरफ. तो जल्दी जितना सोएंगे उतना अच्छा है, ताकि 4 बजे हम लोग वहाँ के लिए निकल सकें. और रास्ता थोड़ा ख़राब है, और दार्जिलिंग जो अब हमने एंटर किया तो नीचे तो थोड़ा ठीक लग रहा था, बट जो मार्केट आता है तो मार्केट तो मुझे इतना कोई अच्छा लगा नहीं. काफ़ी क्राउडेड प्लेस है, बहुत ज़्यादा लोग थे, गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा थी, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था. तो पता नहीं अब दार्जिलिंग यही है कि इसके आगे भी और क्या क्या चीज़ें हैं. कल देख के बताते हैं आपको कि किस तरह का है दार्जिलिंग, बट फर्स्ट इंप्रेशन में तो कुछ खास लगा नहीं मुझे. हाँ, अगर थोड़ा आप टॉप व्यू से देखें तो हिल्स वगैरह इन सब का आपको बहुत अच्छा, माउंटेंस का एक अच्छा व्यू मिलता है. बट वो लोकल मार्केट वगैरह तो काफ़ी मतलब बहुत क्राउडेड था और क्लमजी था. तो अब देखते हैं, अभी पता नहीं मुझे कि और भी क्या क्या है दार्जिलिंग में. अभी तो मैं आपको सिर्फ फर्स्ट इम्प्रेशन के बारे में बता रहा हूँ. तो चलिए फिर आज अगर हम कहीं जाते हैं तो आपको दिखाएंगे, नहीं तो डायरेक्ट कल मॉर्निंग में आपको कंचनजंगा और इन सब का व्यू बताएंगे. तो इट्स 4:30 इन द मॉर्निंग एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स टाइगर हिल टू सी कंचनजंगा. जस्ट अब यही देखना है कि वेदर इतना क्लियर हो, क्लाउड्स ना हो. वी आर एट दिस प्लेस कॉल्ड टाइगर हिल सनराइज ऑब्जर्वेटरी एंड द सन इज अबाउट टू कम एनी टाइम सून. एंड लॉजिक ये है कि जो फर्स्ट लाइट होती है सन की, वो कंचनजंगा माउंटेन जो कि वर्ल्ड का 3rd highest माउंटेन है उस पर पड़ती है. और उसको देखने के लिए सी द अमाउंट ऑफ पीपल एंड इट्स जस्ट आई थिंक 5:15 इन द मॉर्निंग. People are all over this place and we are waiting for the sunrise. Was it the same night you had trouble with your car?
तो जो कंचनजंगा है वो वहाँ पे दिखना है, वो कंचनजंगा है वो वहाँ पे दिखेगा हमको। बस सनराइज़ का हम लोग वेट कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट लाइट होगी वो सीधा वहाँ पे गिरेगी एंड पीपल आर स्टिल कमिंग। So now we are at this place called Batasia Loop and let's explore this place now. तो यहाँ पे बस यही सब है और ये कुछ इन्होंने टेलीस्कोप वगैरह लगा रखे हैं और ये बोल रहे कि जितने भी व्यू पॉइंट्स है दार्जिलिंग के वो दिख जाएंगे, जैसे मेहुना की शूटिंग वगैरह जहाँ पे हुई थी वो सब और यही सब चीज़ें। तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ दिखेगा क्योंकि आज फॉग बहुत है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। आफ्टर बताशा लू वी वेंट टू आवर होटल, हैड आवर ब्रेकफास्ट एंड नाउ वी आर एट पीस पगोड़ा पार्क। आज का मौसम बड़ा अच्छा है, क्लाउडी वेदर है, दूर तक तो नहीं दिखता बट उससे यहाँ पे मतलब घूमने में बड़ा मज़ा आता है। चलिए आपको मैं यहाँ के ट्रीज़ भी दिखाता हूँ, बहुत लॉन्ग ट्रीज़ है। अभी हम हैं जैपनीज टेंपल के बाहर, बुद्धिस्ट टेंपल। तो यहाँ ये है जैपनीज टेंपल और यहाँ पे है पीस पगोड़ा। तो अभी हम चलते हैं जैपनीज टेंपल के अंदर and the trees which I was talking about, look at them and look at the weather, it's cloudy and it's cold. The Japanese temple, I don't want to make much more noise because people are praying over here, so let's just pray. So ab hum temple ke bahar aa gaye and now I am going towards Peace Pagoda. But my feet are walking to a different sound.